जैन दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री की 51st कोर्स। इसकी लास्ट डेट अभी नज़दीक आ चुकी है, 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आज हम इसके बारे में आपको बता देंगे। जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है उनका बहुत बढ़िया रहा, और जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है वे अभी फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है, इसकी 3 नवंबर लास्ट डेट है। तो मैं हूं मनदीप, और मैं आज आपको इस स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 51st शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल फॉर मैन एंड वुमेन। तो ये एनसीसी के साथ साथ इसके अंदर वार्ड ऑफ बैटल कैजुअल्टी है आर्मी पर्सनल की, जिनके पेरेंट्स शहीद हुए हैं आर्मी के अंदर। आर्मी आर्मी के लिए है, क्योंकि नेवी के लिए एंट्री अलग आती है और एयरफोर्स की एंट्री अलग आती है। तो ये आर्मी की एंट्री है, और इसमें केवल जो आर्मी वाले वार्ड ऑफ बैटल कैजुअल्टी है केवल आर्मी पर्सनल के लिए ही है, उन्हें सी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें दो तरह की वैकेंसी है, एनसीसी की और वार्ड ऑफ बैटल कैजुअल्टी की। तो हम अब इसके एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो नेशनलिटी है इसकी, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का आपका नागरिक होना चाहिए, और या नेपाल का हो या इंडिया ओरिजिन ओरिजिन का हो, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, ये पूरी डिटेल दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो नेशनलिटी है इसकी, एक कैंडिडेट मस्ट ईदर बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट है इसकी 90 to 24 25। जो आपकी CDS के अंदर OTA की एज लिमिट है 90 to 25, सेम एज लिमिट इसमें है। आपकी 90 एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 को। अगर इससे पहले आपकी इससे बाद में हो रही है तो फिर ठीक नहीं है, इससे पहले पहले आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दी है, जो डेट ऑफ बर्थ के बीच में जिसकी एज की डेट ऑफ बर्थ पड़ रही है वो इसके लिए फिल कर सकता है। जैसे 2 जनवरी 1997 से लेकर इससे, तो इससे पहले नहीं होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 तक की इसमें एज लिमिट है। और फिर इसमें बात करते हैं हम, इसमें बताया गया है कि बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब जो 2 जनवरी का भी है जिसका जन्म, या 1 जनवरी 2003 का है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो इसकी फर्स्ट एजुकेशन पर, जो इसकी प्रायोरिटी है वो है कि आपका सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद मिनिमम बी ग्रेड। अगर आपके सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपका बी ग्रेड होना चाहिए, ए ग्रेड हो या बी ग्रेड हो। फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क। ये 50% मार्क आपके दोनों साल के, इसमें तीनों साल के ऐड होते हैं। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में आए कुछ मार्क्स, सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए, या किसी का 4 ईयर का भी है, या किसी का सेमेस्टर का है, तो उन सभी के मिलाकर ओवरऑल 50% होने चाहिए। लास्ट ईयर के नहीं हैं ये, पूरे साल के हैं, वो पूरी डिग्री के मार्क्स हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई, जो भी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें अपने फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के मार्क इसमें बताने होंगे कितने परसेंट हैं। ऑल फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर्स और फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2020 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। मतलब जिनके एग्जाम फाइनल ईयर के 1 अप्रैल 2022 के बाद कंडक्ट होंगे, मतलब 1 अप्रैल से पहले जिनके एग्जाम हो जाएंगे वो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके 1 अप्रैल 2022 के बाद होंगे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वैकेंसी है इसके लिए, मैन के लिए वैकेंसी है 50, जिसमें से 45 है एनसीसी की, और 5 वैकेंसी है इसमें जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअल्टी है केवल आर्मी पर्सनल की,
वुमेन की वैकेंसी 5 जिसमें से 4 एनसीसी की और 1 वैकेंसी वार्ड ऑफ बैटल कैजुअल्टी है केवल आर्मी पर्सनल के लिए। ट्रेनिंग ड्यूरेशन है 49 वीक, अप्रोक्स 11 मंथ बैठती है ये ट्रेनिंग होगी, अफसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। अब देखते हैं इसमें कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले joinindianarmy.nic.in पर जाना है, वहाँ आपको ऑफिसर एंट्री अप्लाई में ऑफिसर सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है एनसीसी स्पेशल एंट्री का। इसमें इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, जैसे आपका इम्पोर्टेंट नोट 2, अगर आपके यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग मिलती है या CGPA मिलता है तो आपको उसे कन्वर्ट कराना है परसेंटेज के अंदर, तो आपको वहाँ परसेंटेज फिल करनी है। उसमें ऐसा होता है जैसे आपके फर्स्ट ईयर में आउट ऑफ में से कितने ऑब्टेन करे, सेकंड ईयर में कितने करे, थर्ड ईयर में कितने करे, फिर उनकी परसेंटेज निकल कर आती है फाइनल। फिर आपको इसमें इम्पोर्टेंट नोट 3, कैंडिडेट्स नेम, पेरेंट्स नेम, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ इन द प्रोफाइल एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी पर मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जाम, यानी कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, आपके फादर्स नेम है, आपके मदर्स नेम है, जो आपके टेंथ की मार्कशीट के अंदर जो दिए हुए हैं मैट्रिकुलेशन, यानी कि टेंथ में जो दिए हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको वहाँ पर लिखना है। बिल्कुल सेम वही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी टेंथ की मार्कशीट भी लगेगी स्कैन होकर। फिर इसमें बताया है कि जब आपका सिलेक्शन सेंटर जाओगे तो आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल अपने साथ, और एक कॉपी आपको ले जानी है प्रिंट आउट जो निकलेगा एप्लीकेशन का, उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होना चाहिए, आपकी मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल की भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं। इसमें बताया गया है कि नो अदर डॉक्यूमेंट लाइक एडमिट कार्ड, मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आर एक्सेप्टेबल। आपका जो मैट्रिकुलेशन का ही है, जो आपका मार्कशीट है, उन्हीं के आधार पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी। इन केस पेरेंट्स नेम, फादर एंड मदर इज नॉट मेंशन इन मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि मेंशन नहीं होता, आपका मेंशन होता है। अगर नहीं है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट इशू, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC, आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है। आपकी 12th क्लास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री उसे लेकर जानी है जो भी फाइनल ईयर में अपियरिंग है, और मार्कशीट लेकर जानी है आपको हर साल की, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की आपको मार्कशीट या सेमेस्टर की लेकर जानी। इसमें दिया गया है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिस दिन आपको मिला, यानी कि डेट ऑफ इशू टू बी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसकी जो इशू की डेट है वो आपकी इससे पहले होनी चाहिए। फिर है आपका इसमें सर्टिफिकेट रिगार्डिंग CGPA कन्वर्जन, वो आपको बदल लेना है CGPA को आपका। और इसमें बताया गया है कि जिनका जो वर्ड ऑफ बैटल कैजुअल्टी है उन्हें सी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वर्ड ऑफ बैटल कैजुअल्टी की। एनी कैंडिडेट्स हु डज नॉट कैरी द अबाउट डॉक्यूमेंट फॉर द SSB इज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल, यानी कि जो अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाएगा SSB सेंटर में जो ऊपर बताए गए हैं, उसकी अभ्यर्थी पात्रता उस SSB के लिए नहीं मान्य होगी, उसे फिर अगले SSB में वापस से अप्लाई कर जाना होगा। ऑल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेकर जाने हैं, तो यही सभी आपकी डिटेल हैं इसके अंदर। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद दोस्तों।
ओके दोस्तों।